हेलो चिल्ड्रन, हिंदी में हम पल्लों में पार्ट आठ पढ़ रहे हैं, बया का घर। हमने शब्दार्थ को याद कर लिया है और कहानी भी पढ़ ली है ना। आपने पढ़ा ना कहानी? चलिए आज हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास में पहला है का मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, बंदर का खेल दिखाने वाले को क्या कहते हैं? बंदर का खेल दिखाने वाले को क्या कहते हैं? तो हम उत्तर लिखेंगे, बंदर का खेल दिखाने वाले को क्या कहते हैं? मदारी कहते हैं। ठीक है, बंदर का खेल दिखाने वाले को मदारी कहते हैं। ठीक है, अगला है, आप भी लिखिएगा अपनी कॉपी में, अभी बुक में लिखिए, उसके बाद आप कॉपी में लिखिएगा पल्लों की। बंदर का खेल दिखाने वाले को मदारी कहते हैं। अगला है, मनुष्य की बोली बोल सकने वाले पक्षियों के नाम बताइए। तो क्या है, मनुष्य की तरह कौन बोलता है? तोता। ठीक है, मनुष्य की तरह तोता बोलता है। ठीक है, दो चिड़ियों के नाम बताइए जो उड़ नहीं सकती। तो दो चिड़ियों के नाम बताने हैं जो उड़ नहीं सकती। तो हम लिखेंगे चिड़ियों के नाम जो उड़ नहीं सकती, शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, पेंगुइन भी नहीं उड़ती हैं, है ना, कीवी भी नहीं उड़ते। आप लिख सकते हो, वैसे तो हमें दो ही लिखना है, आप चाहो तो लिख सकते हो, कीवी भी नहीं उड़ते हैं और टहाके, है ना, टकाहे, टकाहे भी नहीं उड़ते हैं। तो दो पक्षियों के नाम जो उड़ नहीं सकते, शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, दो आप याद कर लीजिएगा, आप चार लिख लीजिए, इनमें से दो याद भी कर सकते हैं। ठीक है, शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, कीवी, टकाही, जो भी आपको इजी लगे, दो पक्षियों के नाम आप लिख लीजिए। ठीक है, जो आपके लिए आसान हो। ठीक है, शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, कीवी, टकाही। बर्डमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है? सलीम अली। कौन प्रसिद्ध है? सलीम अली। बर्डमैन के नाम से सलीम अली प्रसिद्ध है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप पूरा पूरा वाक्य लिखेंगे, बर्डमैन के नाम से सलीम अली प्रसिद्ध है। ठीक है, ठीक है, आप पूरा वाक्य लिखेंगे, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, सलीम अली लिखेंगे तो भूल जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा, बर्डमैन के नाम से सलीम अली प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला, पाठ के अनुसार सही या गलत का निशान लगाइए। अब हमें पाठ के अनुसार सही या गलत का निशान लगाना है। चलिए हम वाक्य को पढ़ते हैं, फिर सही और गलत का निशान लगाते हैं। ठीक है, पहला है, जंगल में कौन से डॉक्टर बैठे हैं जो तुम्हारा इलाज करेंगे? क्या ये सही है वाक्य? हाँ, ये वाक्य सही है। बंदर का अंडा जमीन पर गिरकर टूट जाता है। पहले आप ये सोचो, बंदर का अंडा भी होता है? नहीं, पक्षी का होता है। तो बंदर का अंडा जमीन पर गिरकर टूट जाता है, ये क्या हो गया? गलत है ना। अगला है, शरारती बंदर की आदतों में कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही, कोई फर्क नहीं पड़ा था, बच्चियां समझाने की कोशिश की थी, फिर भी नहीं फर्क पड़ा। बया का टूटा हुआ घोंसला पेड़ पर पड़ा था। नहीं, गिर गया था नीचे, गलत हो गया ये। ठीक है, ऐसे उत्पाती बंदर से तो बचकर रहना ही अच्छा है, बोला था ना, पक्षियों ने बोला था। बिल्कुल सही बात है, ये कहानी में है, हमने पढ़ा है ना। अगला है, गा दूसरा हो गया ना, आप अपनी बुक में टिक लगा लीजिएगा, सही गलत, सही गलत, सही। ठीक है, बहुवचन बनाइए। तो एक तरफ एक वचन दिया है और दूसरी तरफ बहुवचन दिया है। ठीक है, और हमें नहीं, एक तरफ एक वचन दिया है, हमें बहुवचन बनाना है। पेड़ पहला दिया है, उदाहरण के तौर पे पेड़, पेड़ों ऐसे दिया है ना। हाँ, तो दूसरा है टहनी, अब हम बहुवचन बनाएंगे इसको। वचन हम लोगों ने पढ़ा है ना व्याकरण निधि में, टहनी का क्या हो गया? टहनिया। टहनी का
टहनिया हो गया। अगला है घोंसला, घोंसला का घोंसले, घोंसला का घोंसले, ठीक है। अगला बंदर, बंदर का बहुवचन बंदरों, ठीक है, बंदरों। अगला है पक्षी, पक्षी का बहुवचन पक्षी वृंद, पक्षी वृंद, ठीक है, पक्षी का बहुवचन पक्षी वृंद। बच्चा का बच्चे, बच्चा का बच्चे, ठीक है। ये हो गया एक वचन, ये हो गया बहुवचन। एक वचन में पेड़ का बहुवचन पेड़ों, टहनी का बहुवचन टहनियां, घोंसला का बहुवचन घोंसले, बंदर का बहुवचन बंदरों, पक्षी का बहुवचन पक्षी वृंद, बच्चा का बहुवचन बच्चे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने मौखिक उत्तर दीजिए पढ़ा। क्या पढ़ा, बंदर का खेल दिखाने वाले को क्या कहते हैं, बंदर का खेल दिखाने वाले को मदारी कहते हैं। मनुष्य की बोली बोल सकने वाले पक्षियों के नाम बताइए, मनुष्य की बोली बोल सकने वाले पक्षी के नाम, पक्षी के नाम तोता है। दो चिड़ियों के नाम बताइए जो उड़ नहीं सकती, कौन है, शुतुरमुर्ग पेंगुइन और टकाहे और कीवी, ठीक है। चार पक्षियों के नाम बताएं, आपको जो आसान लगेगा आप लिख लेना। बर्डमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है बर्डमैन, बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली, बर्डमैन के नाम से सलीम अली प्रसिद्ध है। अगला हमने क्या पढ़ा, पाठ के अनुसार सही या गलत का निशान लगाइए। पहला, जंगल में कौन से डॉक्टर बैठे हैं जो तुम्हारा इलाज करेंगे, सही है, पक्षी ने बोला था। बंदर का अंडा जमीन पर गिरकर टूट जाता है, गलत। शरारती बंदर की आदतों में कोई फर्क नहीं पड़ा, सही। बया का टूटा हुआ घोंसला पेड़ पर पड़ा था, गलत। ऐसे उत्पाती बंदर से तो बचकर रहना ही अच्छा है, ये क्या हो गया, सही हो गया। गा है बहुवचन बनाइए, पेड़ पेड़ों, टहनी टहनिया, घोंसला घोंसले, बंदर बंदरों, पक्षी पक्षी वृंद, बच्चा बच्चे। इतना हम लोगों ने पढ़ा है, तो आज आपको का खा गा ये तीनों अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। पल्लव की कॉपी में पाठ आठ में बया का घर में आप का लिखेंगे, मौखिक उत्तर दीजिए खा और गा, ये तीनों लिखेंगे, फिर अगला प्रश्न उत्तर और पाठ से अलग ये आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।